तो बच्चों अपन है क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म इज 52, ठीक है। तो क्या दिया है, A5 प्लस A7 इज इक्वल टू 52, और क्या दिया है, एंड द टेंथ टर्म इज 46, तो A10 दिया है 46, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, तो अपन को क्या क्या दिया है, A10 की वैल्यू मिल गई, और एक मतलब इससे क्या होगा, अपन को दो इक्वेशन मिल जाएंगी, जब अपन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने ए और डी मिल जाएंगे। तो अपन करते हैं, ये हो जाएगा A+9D इज इक्वल टू 46, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, A+4D प्लस A+6D इज इक्वल टू 52। आपको एन का फॉर्मूला याद होना चाहिए अभी तक, क्या होता है, A+N-1 × D। जब इसमें आप एन की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा, एन की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा, एन की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2A+10D इज इक्वल टू 52। तो अपनी एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, और अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डबल करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, 2A+10D इज इक्वल टू 52, और ये वाली इक्वेशन क्या है, A+9D इज इक्वल टू 46। अब अपन क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 18D, तो 10D-18D कितना होगा, -8D, और 46 × 2, तो 46 × 2 होता है 92, तो 52 में से 92 जाएगा तो आएगा -40, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, डी की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और अपन को क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और ए की वैल्यू आ जाएगी। अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A+9 × 5 इज इक्वल टू 46, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 45, और इधर जाके 46 में से माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1। अपन को क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द एपी, तो अपन को ऐसी एपी बनानी है जिसमें A1 हो और D5 हो। तो क्या होगी, 1, 6, 6 कैसे आया, 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में अपन 5 और ऐड करेंगे तो आएगा 11, ऐसे चलते जाएंगे, और अपनी ये है एपी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।